मेरे यार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में देखा कि मनोज दे ने शादी कर लिया, और हम सभी जानते हैं कि मनोज दे ज्योतिश्री महतो के साथ लव करते थे और बहुत दिनों से लोगों को आपसी प्रेम चल रहा था, और जिन्होंने कल रात में शादी करने का ये किया, और लोग बहुत तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा देखिए वीडियो क्लिप में लोग बोल रहे हैं किस तरह से, तो ये ऐसा तो नहीं कि है। सभी को उल्लू बना दिया है मनोज देव पहले भी बता चुके थे कि हम शादी दोनों शादी करने वाले हैं, और ये गर्व की बात है कि झारखंड का एक लाल सबसे बड़ा यूट्यूबर जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है, और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल लगभग 40-45 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल है, झारखंड का सबसे नंबर वन यूट्यूबर हैं। और ये इसके साथ साथ ये गर्व की बात है कि जिन्होंने इतनी बड़ी शानो शौकत होते हुए भी शादी जो है अपनी संस्कृति और अपनी झारखंड की स्टाइल में किए हैं। ये जो झारखंड की शादी है ये बंगाली स्टाइल है, जो बंगाल से झारखंड का धनबाद जो जिला है वो बंगाल से सटा हुआ है, तो वहाँ पे बंगाली कल्चर चलता है, बंगाली भाषा भी चलता है। वो बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी भी है। आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बोल। तो देखिए दोस्तों मनोज भाई ने क्या, मनोज भाई की जुबानी सुनिए क्या बोल रहे हैं। 3 दिन के बाद मेरे चैनल पर वीडियो आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल लाइफ में बिजी था, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन में था। आप लोगों को पता ही होगा, सारा कुछ पता चल चुका होगा अभी तक कि मेरा शादी हो चुका है। आपने ब्लॉग भी देख लिया होगा अभी तक, ठीक है, मैंने ब्लॉग चैनल पर डाल भी दिया है। अब इसी वजह से क्या होता था कि वीडियो जो है तीन दिन बाद मेरा आ जा रहा है। अब मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा कि इतना बड़ा यूट्यूबर था, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स था, बहुत अच्छा तरीके से शादी वादी होना चाहिए था, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं मेरी शादी में, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके लिए तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। मेरा भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अभी अच्छे से करूँगा जैसा कि एक सेलिब्रिटी लोग शादी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, शायद से किस्मत में ही नहीं था। खैर कोई नहीं, हो सकता है कि रिसेप्शन वगैरह थोड़ा अच्छे से हो जाए, देखते हैं जैसा भी हो वो बाद का प्लानिंग है। हाँ, लेकिन अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले तो सॉरी बोलने के लिए कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हो नहीं पाया। बाकी हाँ, रिसेप्शन का ट्राई तो कर ही रहे हैं, और शादी इसलिए भी करना पड़ा कि आपने टाइटल देख लिया कि फाइनली टेंशन फ्री अब मैं हो चुका हूँ। मुझे दोस्तों शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं क्या होता था कि उसके साथ कहीं अगर मैं घूमने भी जा रहा हूँ या फिर उसको कहीं लेके जाता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, घर में बहुत ज़्यादा किचकिच होता था कि उसको क्यों लेके जा रहा है, उसके साथ क्यों घूमता है। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं समझ में आता था कि हमें जब भी कोई चीज़ का इन्विटेशन आता है, कहीं भी बुलाया जाता था तो दोनों को साथ ही बुलाया जाता था, ठीक है। जैसे कोई कार्ड दे रहा है तो मेरा नाम और उसका नाम एक साथ लिख करके देता था, कहीं भी, चाहे किसी चीज़ का ओपनिंग हो रेस्टोरेंट का या फिर कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, साथ ही बुलाता था, तो साथ में जाना पड़ता था। अब जैसे साथ में गया उसके अगले दिन घर में खिचखिच शुरू, मम्मी का पापा का, ठीक है। उन लोगों को मैं समझाता था कि हमारा शादी करवा दो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग तो हमें एक दूसरे से जोड़ ही दिए हैं, ठीक है, सिर्फ मतलब कि ऑफिशियली जुड़ना बाकी है। एंट्री ऐसा हुआ था कि हम लोग एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे, उसके बाद ऐसा हुआ कि घर में फिर से किचकिच करने लगा। मैं थोड़ा सा ये चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी चल रहा था। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली चला गया था, आप लोगों को पता ही होगा, वो मैं टेंशन में ही गया था घूमने के लिए स्पेशली, मेरा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था, तो जब गया तो काफ़ी सारे यूट्यूबर से भी मिल लिया, लेकिन मैं टेंशन में ही गया था, ठीक है, एक अलग तरीके का टेंशन चलता था। अब टेंशन क्या चीज़ है पता है, हमारे काम के लिए टेंशन होना बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क नहीं, हमारा मेंटल वर्क है, हमारा दिमाग फ्रेश होना चाहिए, माइंड शांत होना चाहिए, तो हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। माइंड शांत नहीं रहेगा, दिमाग में टेंशन रहेगा, तो हम वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं क्रिएट कर सकते हैं, समझे ना, मतलब डिप्रेशन टेंशन आप में नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये बार बार का जो किचपिच है इसको एक ही बार में ख़त्म करते हैं। अब मैं अपने लाइफ में पूरा सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, एकदम शांत हूँ, कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मैंने लाइफ में सब कुछ कर लिया था, घर वर बन ही रहा है, पैसा भी कमा ही रहा हूँ, ठीक है, अपना एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर रखा है। बाकी एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी हमारे लाइफ का एक लाइफ पार्टनर चुनना। और एक कहावत है कि ज़िंदगी में दो चीज़ अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने पसंद से करना चाहिए, पहला करियर कि आपको करियर आगे में क्या करना है, आपको क्या जॉब करना है, क्या काम करना है, और दूसरा भाई लाइफ पार्टनर, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी आपको बिताना है, पूरे लाइफ टाइम रहना आपको है। तो चलिए फिलहाल मैं अभी तो खुश हूँ, बाकी देखते हैं घर वालों को क्या सीन रहता है, आगे आप लोगों को सारा अपडेट मिलेगा ब्लॉग वाले चैनल पर। एंड ये वाले चैनल पर आपसे रेगुलर वीडियोस आएगा, ऐसा नहीं है, मैं जहाँ भी रहूँ वीडियो तो डालूंगा, ये मेरा पैशन है और इसमें मुझे मज़ा आता है। एक दिन अगर मेरा वीडियो नहीं अपलोड होता मेरे चैनल पर तो मुझे टेंशन से फील होने लगता है,
मतलब गजब का लगता है कि कुछ तो अधूरा है लाइफ में, कुछ तो अधूरा है। जब एक वीडियो पब्लिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ्री माइंड फील होता है कि हाँ चलो आज कुछ काम हो गया। तो चलिए आई होप्स आप इस बात को समझेंगे। एंड आपने काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेज दिया है भाई, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपने बोला है, ठीक है, बहुत बहुत बधाई वाला कमेंट आ रहा है, सिर्फ चारों तरफ भरा पड़ा है। एक तरह से मैंने डिमांड पूरा कर दिया है अपने ऑडियंस का, क्योंकि मुझे बनाने वाले मनोज देखो, मनोज देव बनाने वाले आप लोग हो, ठीक है, बाकी इसमें किसी का हाथ नहीं जाता। अगर आप लोग इतना प्यार सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। तो आप लोगों का डिमांड पूरा हो गया, आप लोग खुश है तो मैं खुश हूँ बस, ठीक है। बाकी फैमिली वालों को तो मैं मना ही लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम पर हो जाएगा सारा कुछ ठीक। एंड चलिए आप लोग बता देना आप लोग कितने खुश है कमेंट करके। एंड वेट करना, वीडियो वगैरह आता रहेगा रेगुलर, यूट्यूब का बहुत सारा अपडेट वगैरह आया है, मैं बना नहीं पाया हूँ पिछले 3 दिनों से, यहीं सब खिच पिच में चल रहा था टेंशन में। एंड फिलहाल अभी फ्री हूँ, ठीक है। एंड चलिए कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे तरफ से बधाई है, बहुत बहुत बधाई मनोज भाई को, और आप लोग भी कमेंट करके बधाई दे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।